यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स क्यूब माइनस वन, मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स का क्विक रिवीजन करवाया था, तीन पेपर बताए थे, अगर उनको भी आपने बहुत अच्छे से किया होगा, आज बहुत अच्छा पेपर गया होगा आपका, एंड बी एक सेट दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वेयर जेड इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वॉट इज ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को मैंने आपसे बार बार बोला था, इसको ध्यान रखिए, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अच्छा ये भी वही है, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू वन और एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इंटरसेक्शन पूछा है नहीं, कॉमन तो आपको बताना रूट क्या, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, नहीं दिया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू, तो करेक्ट आंसर हुआ माइनस वन प्लस रूट थ्री। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको जो आंसर बताऊं वो देख लीजिए, हो सकता है मैं कभी एक ही जगह बी बोल दूं, उसमें कंफ्यूज मत होना, जो आंसर बता रहा हूं उन पे नोटिस करते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेयर डाइस, अ फेयर क्वाइन, एक क्वाइन है ओके, अ फेयर क्वाइन इज टॉस एंड अनवाइज डाइज, एक क्वाइन है और एक डाइज है ओके, इज रोल्ड टूगेदर, वॉट इज द प्रॉपर्टी दैट गेटिंग टू फोर और सिक्स, टू फोर सिक्स अलॉन्ग विथ हेड, तो प्रॉबिलिटी हेड आने की वन बाय टू, टू फोर सिक्स आने की थ्री बाय सिक्स, यानी वन बाय फोर इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी कि कभी भी इनवर्स पूछे या एडजॉइंट पूछे तो कभी भी डायरेक्ट मत करिएगा पूरा पूरा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, वन वन जीरो देन द एडजॉइंट ऑफ बी, आपसे एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ बी पूछा है। अब इसका एक ही तरीका है कि आप ऑप्शन को ध्यान दीजिए, सभी के डायगोनल पहले चेक कर लीजिए, तो अगर ध्यान दें तो देखिए इसके ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूं कि लॉजिक समझना, जीरो 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 माइनस टू माइनस वन एट, बी में दिया है जीरो 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 माइनस टू जीरो जीरो माइनस वन, सभी नहीं निकालेंगे जीरो जीरो एट, और जो सी ऑप्शन है उसमें बोला गया है जीरो जीरो टू जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो। अब एडजॉइंट पूछा है तो एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, राइट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स अगर समझें तो यहाँ पर एडजॉइंट पूछा है, इनवर्स पूछा था तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है क्योंकि एक कॉलम आपको पूरी तरह से जीरो दिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो केवल एक ही चीज समझिए कि जब मैं इसका निकालूंगा तो क्या होगा, 12 माइनस फोर एट, एट इसमें भी है और एट इसमें भी है, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर आप इस वाले कॉलम का निकालेंगे तो उसकी प्लेस ये आएगी, सभी की चेक कर लीजिए, 2 माइनस फोर माइनस टू, तो माइनस टू आना चाहिए वो इसी में, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए जीरो 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 माइनस टू माइनस वन एंड एट, क्योंकि बाकी किसी में नहीं, यानी आप एक दो एलिमेंट से भी आंसर बता सकते थे। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, जीरो वन वन जीरो, देन मैट्रिक्स ए इज, पहला ऑप्शन है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन डिटर्मिनेंट जीरो, बट इसका डिटर्मिनेंट देखें तो क्या है माइनस वन, यानी सिंगुलर नहीं है। फिर दिया इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स मीन ए स्क्वायर इक्वल टू I, nilpotent means a power n equal to null matrix, adimpotent means a square equal to a, तो इसका मतलब a square और निकालना पड़ेगा, a square means यहीं कहीं multiply कर दें 0 1 1 0, right, this is a square, तो क्या आएगा देखिए जब multiply करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो 0 ये 1, फिर इस कॉलम का इसके साथ करेंगे 0, इसका क्या तो 0 और 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, एक्स वाई नल मैट्रिक्स माइनस थ्री आयोटा वन टू आयोटा वन आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू सिक्स प्लस इलेवन आयोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कोई टाइम नहीं लगेगा मैं बोलूंगा, बल्कि आप मेथड से कर लें तो बेटर होगा, माइनस थ्री माइनस फोर, देखिए क्या होगा सिंपल, जब मैं x के साथ करूंगा
तो जाएगा माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर, लिख लेते हैं स्टेप, बाद में सोचेंगे क्या करना है। वाई के साथ करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब वाई के साथ करेंगे तो माइनस वाई थ्री आयोटा स्क्वायर, थ्री आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ टू आयोटा दिस, और ये तो जीरो हो जाएगा, दिस इक्वल टू सिक्स प्लस इलेवन आयोटा। अब अगर मैं लॉजिकली देखूं तो x इक्वल टू है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो प्लस टू हो जाएगा, राइट ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहां पर आए माइनस वाई, ये मिलेगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस थ्री माइनस टू आयोटा इक्वल टू सिक्स प्लस इलेवन आयोटा, यानी बेसिकली आपको मिल गया टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा के साथ आइए, आयोटा कॉमन ले लें तो माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स प्लस इलेवन, यानी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स और माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू इलेवन। आप चाहें तो ऑप्शन रख के देखिए, जैसे मैंने अगर मान लो ऑप्शन ए रखा होता तो माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व, सिक्स ही होता है, यहाँ रखिए थ्री प्लस एट इलेवन, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। वैसे एक्स वाई सॉल्व भी कर सकते थे कि टू का मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए ये सब इस उस डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं एग्जाम में, 4 बाय इक्वल टू 22 आप सॉल्व कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया देखिए 7 बाय इक्वल टू 28 यानी y इक्वल टू 4, y का वैल्यू 4 किस में भी रख दीजिए इसमें रख दीजिए, तो माइनस एक्स प्लस एट इक्वल टू 11 देन माइनस एक्स इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू माइनस ऑफ 3। सब कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन सिंपल कम होते जाएं थोड़ी स्टेप्स लिखना चालू करें, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बिल्ड होगा। जो मैंने आपसे बात बोली थी कि एक चीज बिल्कुल याद रखो कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पहले सिंपल क्वेश्चन करो, जहां आप 50-60 क्रॉस कर गए फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा, इवन 40 के बाद आपके पास एक सेफ जोन में आ जाते हैं हम, यानी 40 राइट करें कि इसके बाद सेफ जोन में आ गए, फिर आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड क्यूब प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड जेड पावर 2017 प्लस जेड पावर 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे ही ये क्वेश्चन देखो समझ जाओ कि रूट्स ओमेगा के टर्म में तो होंगे, तो ऑप्शन रख के देख लेंगे इसमें, माइनस 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर और डी है ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा है, मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हों। तो कॉमन रूट्स में अगर मैं एक बार बताइए, अगर यहां पर माइनस वन रख दूं तो ये माइनस वन मिलेगा, यहां प्लस वन मिलेगा प्लस वन, तो माइनस वन वाला ये नहीं मिलेगा, ये वन भी नहीं मिलेगा, ये दो रिजेक्ट, ये भी नहीं मिलेगा, तो बचा ये। बात समझ में आ रही है आपको मैंने क्या बोला, आप समझिए कि अगर मैं माइनस वन रख दूं तो एक माइनस वन दो प्लस वन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये तीनों रूट तो हो ही नहीं सकते, तो बचा केवल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉमन पूछा है। हाँ यहां पर आप माइनस वन रखते तो हो सकता कर रहा होता माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस वन, तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहां पर आप लॉजिक समझो क्योंकि ये इक्वेशन एक तरह से ऐसी है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब आप ये रखोगे तो क्या होगा, ओमेगा की पावर 217 इसका सम करो 9 प्लस 1 10 यानी ये मिलेगा ओमेगा, ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट ओमेगा की इसको आप ऐड करो 10 प्लस 1 11 तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये जीरो होता है, ऐसे ये रख के देख लो। यहां पर रखोगे तो भी ओमेगा क्यूब कितना, ओमेगा क्यूब आपने अगर मान लो सपोज ओमेगा रखा तो ओमेगा क्यूब 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा पावर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस 1, अब क्या 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 कॉमन ले लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो। ये मैं आपको केवल जनरल बता रहा हूं, पर आप देखिए इस क्वेश्चन को मेथड से करते हैं कंसेप्ट तो कितना टाइम लगता है, मैं आपको जो तरीके बता रहा हूं उन चीज को फॉलो करो, उसके लिए पर एक बार अच्छे से बेस प्रिपरेशन करो, कंसेप्ट बनाओ, जब सब कुछ बनता है जब सब कुछ स्ट्रांग होता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो कि आपको पता है कि ये तीन ऑप्शन तो 100% रिजेक्ट है, बचा हुआ ऑप्शन अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, राइट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 10 पॉइंट इन अ प्लेन, 10 पॉइंट एक प्लेन में है बोला है, नो थ्री ऑफ दिस पॉइंट आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग पॉइंट। ठीक है सीधे सीधे 10 में से 2 पॉइंट ले लीजिए अपने आप ही लाइन बन जाएगी, यानी कितना 45 इज अ राइट आंसर, कितने अच्छे से आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था आप आराम से बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द इक्वेशन
px square plus qx plus r equal to 0, where p, एक और important बात लिखी है, where p, q, r, all are positive, has distant real root a and b, which one of the following, अगर कोई भी equation a और b पूछा है, इसके roots, कभी भी कोई भी equation अगर पूरी positive हो, तो इसके roots always ही negative होंगे, always, कोई भी ले लो आप, आप चाहे जो मर्जी वो ले लो, आपको पता है 2x square plus 5x, plus मान लो मैं लिख दूं, 2 equal to 0, आप इसके roots निकालोगे, दोनों negative होंगे, तो इसका मतलब, a भी less than 0, and b भी less than 0, right, ये इसका correct answer होगा, a less than 0, b less than 0, clear है बात, note करते हुए चलो आप फटाफट, yes, next question देखते हैं, देखिए क्या है, sin 34, cos 236, minus sin 56, sin 124, cos 28, cos 88, cos 178, sin 208, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो लगेगा सर्कुलर फंक्शन का लगेगा, देखिए जैसे ये sin 34 है, मैं आपको बताता चलता हूं, इसको लिख सकते हैं cos 180 plus 56, तो आप इसे लिख सकते हैं minus cos 56, मैं समझाता चलूंगा स्टेप, minus sin 56, ये देखिए, और इसे लिखेंगे आप चाहे तो sin 90, क्योंकि एक sin है cos है तो उसे भी cos बना लें, तो cos 34, क्या कर आप समझिएगा, क्या-क्या स्टेप लगी हैं, cos 236 को, ये जितना मेंटल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा, 86 plus 56, cos 180 plus theta, minus cos theta, यहां पर sin 124 को मैंने लिखा है, sin 90 plus 34, and this is cos 34, राइट right? अब एक बात देखिए ध्यान से, sin a cos b माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस cos a sin b लिखा हुआ है, सिमिलरली यहां पे cos 28 ही रहने दें, ये हो जाएगा sin 2, अच्छा ठीक है, यहां पर आइए प्लस, इसको लिख सकते हो माइनस cos 2 और उसको लिख सकते हो 180 प्लस दिस इज sin 28 माइनस का, तो ये प्लस हो गया, मतलब ये एक तरह से हो गया cos 2 degree into cos 28 degree, sorry, sin 28 degree, right, समझिए क्या क्या किया, cos 178 को लिखा, cos 180 minus 2 and cos 180 minus theta minus cos theta, sin 208 को लिखा, sin 180 plus 28 minus sin 28, दोनों minus cancel हो गए, अब minus मैंने बाहर लिया, तो sin a plus b, तो sin 90, नीचे sin a cos b plus cos a sin b, ये sin 30 हो गया, right, ये sin 30 हो गया, sin 1, तो ये मिला minus of 2, then answer is minus of 2, right, note down this question, yes, next question देखते देखिए क्या है, समझते हैं, what is the general solution of the differential equation, dy by dx, plus x upon y equal to 0, काफी simple question है, y dy plus x dx equal to 0, यानि y square by 2 plus x square by 2 equal to c, integration on both side कर दिया, तो x square plus y square equal to capital C भी लिख सकते थे, यानि ये एक circle की equation हो गई, 2c मतलब c हो गया, right, note down this question,